फाइनली हमने आगे पहुंचे हैं साइंस पार्क भुवनेश्वर में। ये भुवनेश्वर का साइंस पार्क है, अभी हम इसके अंदर चलेंगे और आपको नज़ारा, इसका जो व्यू है पूरा व्यू दिखाएंगे आप लोगों को, किस तरह से इसका जो व्यू दिखता है और साइंस पार्क के अंदर होता क्या चीज़ है। दोस्तों बहुत ही कमाल का चीज़ है इसमें, आप एक बार आओगे तो आपका मन करेगा कि बार बार इसमें आके घूमने के जाने के लिए। तो हमने इसके अंदर अभी एंट्री कर चुके हैं, अब एंट्री करने के बाद आपको दोस्तों दिखाएंगे सारा चीज़। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे मस्त मस्त वीडियो आने वाला है, आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया बढ़िया जगह का वीडियो हम देने वाले हैं आपको। चलो अब तो थोड़ा सा ये पार्क का जो है वो थोड़ा सा नज़ारा ले लेते हैं, किस टाइप का पार्क दिखता है यहाँ पे उसका नज़ारा यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं और देखते हैं थोड़ा बहुत घूम के पार्क में। उसके बाद हम चलेंगे अंदर और अंदर क्या चीज़ है वो भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये आपको आचार्य विहार से राजमहल जो रास्ता जाता है पूरा सीधा, उसी में जाओगे तो राइट साइड में ये पार्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप वहाँ पे आ सकते हो घूमने के लिए अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आके मज़े कर सकते हो। बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ है यहाँ पे, झूला वगैरह है यहाँ पे देख सकते हो आपको। चलो यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करने के बाद हम चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या होता है। यहाँ पे एक टैप लगा हुआ है बड़ा सा, वो देख सकते हैं जिसमें पानी गिरता है ये टैप से। ये भी दोस्तों ऐसे लग रहा है कि टैप लटका हुआ है और पानी गिरा है, लेकिन इसमें ये हो सकता है कि ट्रांसपेरेंट पाइप के माध्यम से पानी जा रहा है और रिटर्न भी आ रहा है। ताकि जब पानी बंद होगा तब पता चलेगा, अभी तो पानी चालू है तो इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे सेल्फी वेल्फी लेने के लिए मस्त जगह है, यहाँ पे सेल्फी भी ले रहे हैं यहाँ पे बच्चे। अब मेन चीज़ को यहाँ हम एंट्री करने वाले हैं और इसमें अब देखने वाले ये चीज़ से, अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा चीज़ है। ये दोस्तों एक घड़ी है, सबसे पहले जो दिखाया गया है ना ये घड़ी है, ये घड़ी अपने आप ही काम करता है। ये देखो ये देखिए घड़ी को चलता रहता है ऐसे ही घड़ी अपना आप ही। अब चलेंगे इसके अंदर बहुत सारा चीज़ें देखने के लिए, आप आओगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ है, लेकिन इसमें तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा इल्यूजन्स भी है इसके अंदर, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। ये देखिए ये बहुत ही बड़ा इल्यूजन है यहाँ पे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो एक एक चीज़ हम कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। आप यहाँ पे डेस्क आपको लिखा गया है यहाँ पे क्या क्या करना होगा हर चीज़ में, वो क्या चीज़ क्या बोलते हैं किसको। चलो इसके अंदर थोड़ा सा घूम लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अब वीडियो को मैं थोड़ा सा स्पीड कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि लंबा ज़्यादा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है वीडियो देखने के लिए। चलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, हम भी थोड़ा सा मज़े ले लेते हैं। आप भी अपने बच्चे को यहाँ पे ला सकते हो साइंस का ट्रिक दिखाने के लिए, ये देखो चलने के लिए यहाँ पे, वाओ। अरे अरे इधर आओ इधर आओ, आओ आओ इधर, क्या चीज़ है दिखाओ थोड़ा सा, वो दिखो भाई, आओ आओ इधर, कैमरे को सही से दिखाओ भाई। ये तो इंसान का पूरा बना हुआ है कि इंसान के शरीर में क्या क्या चीज़ है यहाँ पे पूरा दिखाया गया है, देख सकते हो पूरा लिखा गया भी है यहाँ पे, अपने बच्चे को टीच करने के लिए यहाँ पे बढ़िया चीज़ है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है उसके बारे में भी बताया गया है इसमें,
चलें आगे चलें, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। और क्या चीज़ है थोड़ा सा देखेंगे, ये सब रोबोटिक टाइप का है यहाँ पे है। चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा दिखा देते हैं कि हमारा व्यूअर्स भी है देखना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे हाथ लेते तो ये सब इस टाइप का काम करता है। यहाँ हमने पहली बार आए हैं तो हमें इतना जानकारी नहीं है। चलो जितना भी हमसे हो रहा है हम आपको दिखा देंगे। ये क्या चीज़ है, ये तो पानी चल रहा है ऊपर से नीचे तक, जो गोल गोल घूम रहा है पानी इसके अंदर में। इसमें क्या देखने के लिए बाकी है, ओ तेरी तो। अरे यार इधर आओ, इसमें तो ग्रह नक्षत्र देखने के लिए है। आओ चलो, चांद भी दिखेगा यहाँ पे, हमको तो लग रहा है चांद भी दिख रहा है। अब देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे, और चांद रहे, वो देखो चांद दिखाई देगा। देखो देखो अच्छे से चांद देखो, अरे नवग्रह यहाँ पे भी दिखा रहा है। अरे वो ग्रह देखो पास में से जैसे दिख रहा है, जैसे 3D व्यू में पूरा दिखाई देगा इसमें से। वो देखो इस टाइप का कुछ नज़र आएगा। लव मेरे को छोड़ो, मैं भी थोड़ा देखता हूँ। यार मेरे को थोड़ा सा देखने दो। चलो वाओ यार सही में यार अच्छा लग रहा है। चलो ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला जो है उस टाइप का दिख रहा है हमें, कि वो घूम रहा है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ। चलो अब हम दूसरे लैब में आ चुके हैं यहाँ पे, जो कि मैथमेटिक्स का लैब है यहाँ पे। और मैथमेटिक्स का यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं, सीखने के लिए भी है, सिखाने के लिए भी है। अगर आप छोटे बच्चे को लेकर आए हो उनको सिखा भी सकते हो आपको, और आप पहली बार आ रहे हो तो सीख भी सकते हैं। और यहाँ पे भूलभुलैया भी है यार, भूलभुलैया कहाँ है यार, उस साइड में। चलो पहले ये थोड़ा सा दिखा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखो कैमरा घुमा के थोड़ा सा दिखा दो, फिर चलते हैं भूलभुलैया में, थोड़ा सा यहाँ पे गुम हो जाएंगे फिर चलेंगे घर। क्या दिक्कत है, क्या बोल रहे हो, सही है ना। चलो अच्छे से दिखाओ यार, ट्रायंगल दिखाओ, ट्रायंगल। वाओ भूलभुलैया जाना, रुक जाओ वहाँ पे, अकेला जाओगे तो गुम हो जाओगे। फेंको बॉल, फेंको बॉल। ये यहाँ पे इल्यूजन वाला चीज तो है। यहाँ पे आपको आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, यहाँ पे जितना इल्यूजन है, लग नहीं रहा है आपको इल्यूजन के लिए। चलो अब भूलभुलैया में चलें, कुछ इस टाइप का मिरर भी दिखेगा आपको जो भूलभुलैया जैसा ही है। अब भूलभुलैया में हम थोड़ा सा गुम होंगे, अब आएगा मज़ा। यहाँ पे इधर उधर इधर उधर इधर उधर होगे, कोई कहाँ जाएगा कोई कहाँ जाएगा, किसी को पता भी नहीं पड़ने होगा, पता नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, इधर उधर इधर होगा कुछ इस टाइप का। ये हम आ गए हैं भूलभुलैया में, अब देखो जी देखो ये है भूलभुलैया। यहाँ से तो आप गुम हो जाओगे तो यहाँ पे बाहर आने का रास्ता ही भूल जाओगे। यहाँ पूरा मिरर में लगा हुआ है, ये चारों तरफ मिरर है, मिरर है, देखो जी। चलो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो दिखा दिया आपको। अब कहीं मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, कहीं दूसरे पार्क जाएंगे या कहीं जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, थैंक यू दोस्तों।